बहुत ही खूबसूरत दिन है, धूप निकली हुई है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब खैर खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। सुबह 10 बजे का टाइम है, धूप इतनी खूबसूरत निकली हुई है, मौसम इतना प्यारा हुआ हुआ है। और हम बच्चों को आज लेके जा रहे हैं जी बोट पे। बोट ना इतनी छोटी थी, ना बोट इतनी बड़ी थी, लेकिन सुबह 11 बजे से लेके शाम के 5:30 बजे तक हम लोग जो है, तकरीबन 5:30 बजे तक हम लोग जो है बोट में अंदर रहेंगे। और उसके बाद फिर म्यूज़ियम में भी जाएंगे, और जहाँ पे हम लोगों का एक ग्रुप बना हुआ था, और हम इकट्ठे जो है वो हो के फिर जाएंगे बोट की तरफ। और हम लोगों ने कुछ थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी अल्बर्टाइन में, बच्चों के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें लेनी थी। कल भी मैं बाहर ही थी बच्चों को ले के, और रात को काफ़ी लेट आई हूँ वापस, तो इस वजह से कोई शॉपिंग वगैरह नहीं कर सकी। बच्चों के लिए चिप्स वगैरह और ब्रेड्स वगैरह लेनी होती है। तो ये है जी खूबसूरत मौसम, और ये है जी सेंट्रल स्टेशन अम्स्टर्डम, और वो है जी सामने हमारी बोट। लाइन लगा ली है हम लोगों ने, किने किने जाना है, बिलो दे कार। हम लोगों ने बिलो के घर तो नहीं जाना, लेकिन बोट में जाना ज़रूर। और यहाँ पे बच्चों का जो ये फ़ोटो सेशन चल रहा था, पहले मेरे बेटे ने एक्शन मार के जो है वो बैठे हैं, और फिर उन्होंने बोला कि जी मेरी तस्वीर कहन से पीछे जो है दोनों जो प्रिंसेस थी, उन्होंने भी फ़ोटो सेशन करवाया। और वो देखें जी कैप्सूल बना हुआ है, वहाँ पे लिफ्ट है या क्या है, फिर कभी इंशाल्लाह ताला देखूँगी जाके कि वहाँ पे क्या है। और ये देखें कितने आराम सली से हर कोई अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है, और हम लोगों ने एंट्री मार ली है। और जहाँ की सिचुएशन देखें, यह है जी बार जो है खाली, यहाँ पर कोई बंदा चंदा खड़ा हुआ नहीं था। और बच्चों के लिए इन्होंने कलर वगैरह रखे हुए थे, और हमसे आगे जो है वो सारे कलर बच्चे ले चुके थे। और पानी की मोजें देखें, और ठंडा ठंडा पानी, और खूबसूरत सा मौसम, आप भी देखें मेरे साथ। बहुत ही खूबसूरत पानी, और इसके साथ पानी की ये मोजें, समुंदर तो इसको कह नहीं सकते। तो आप कमेंट्स करके बताएंगे कि ये समुंदर है कि तालाब है कि क्या है। और जो बच्चे हैं वो मसरूफ़ थे कलर करने में, और इसके बाद जो है बच्चे उन्होंने बोला कि हम लोग हो गए हैं बोर, और हम इसके बाद जाना है हम लोगों ने ऊपरी मंजिल पे, वहाँ पे कुछ और ही खूबसूरत सा मौसम था। और यह है जी सामने फेरी, जैसा कि सना जानती है क्योंकि वो मेरे हर वीडियो को देखती हैं और हर वीडियो पे कमेंट्स करती हैं, और सना को पता है यहाँ की ये फेरी है। और ये फेरी एक किनारे से दूसरे किनारे जाती है फ्री के खाते में, सारा दिन चलती रहती है, सारी रात 12 या 1:30 बजे तक लास्ट फेरी होती है। मेरा ख्याल है रात को भी चलती होगी। और ये 4-5 हैं फेरियाँ मुख्तलिफ जगहों पे, और सेंट्रल स्टेशन से दूसरी तरफ लेके जाती है। यहाँ पे कईयों में जो है वो गाड़ी भी जाती है, और जो आपको अभी मैंने दिखाई है इसमें स्कूटर जाते हैं, साइकिलें जाती हैं, और हम जैसे बंदे और बंदियाँ जाती हैं, बच्चे भी जाते हैं। और यह सामने खूबसूरत सी बिल्डिंग देखा, हालैंड के लोगों ने, हालैंड के जो लोग हैं वो पानी के कीड़े कहलाए जाते हैं, इनका दिमाग इतने तेज़ है, इन्होंने पानी पे ऐसी ऐसी बिल्डिंगें बनाई हुई हैं, और पानी पे चलने वाली बस भी है, और क्या क्या मैं आपको बताऊं। तो जी जिक्र छिड़ा सना का, सना यहाँ पे रह के गई हैं, और मेरी मोस्ट फेवरेट मेरी सब्सक्राइबर हैं, और मेरी फ्रेंड भी है, और मेरी सिस्टर भी हैं। और जब से मैंने स्टार्टिंग ली थी उसे 6 महीने के बाद हम लोगों की आपस में दोस्ती बनी है, और वो हर वीडियो को लाइक करती हैं।
और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कमेंट्स करती हैं, और वो ख़ुद भी बहुत ही खूबसूरत हैं माशाल्लाह। और 3 अदद बच्चों की माँ भी हैं, और माशाल्लाह अल्लाह ताला उनकी जोड़ी सलामत रखे बच्चों समेत। और यहाँ पे ये देखें जी, खूबसूरत है मौसम, और बोट्स खड़ी हैं, यहाँ पे काम हो रहा है, हर किसी न किसी कोने में कोई ना कोई काम हो ही रहा है यहाँ पे। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, जब से जो है मेरी बाजी यहाँ पे आई हुई है, तो तकरीबन कोई ना कोई काम यहाँ पे होता ही रहता है। और ये देखें जी, इतना खूबसूरत मौसम है, सूरज ऐसे पानी के ऊपर चमक रहा था ना, कि ये दिलकश नज़ारा मैं आपको क्या बताऊँ, कि यहाँ पे मैं बहुत ही खूबसूरत मंज़र जो है वो फील कर रही थी। और यकीनन आपको भी बहुत ही अच्छा लगा होगा, वो है सामने बहुत बड़ा शिप खड़ा, और यकीनन सैर सपाटे के लिए लोग आए हुए होंगे, और इंशाल्लाह ताला वो भी दिन आएगा जिसमें हम लोग बड़े से शिप में आपको भी साथ लेके जाऊंगी और आपको भी घुमाऊंगी। और जी ये है सामने शिप का नाम, और ये देखें जी खूबसूरत दोपहर, तकरीबन 11:30 के 12 बजे का टाइम था, और सूरज बहुत ही खूबसूरत लग रहा था पानी के ऊपर। कभी कभी सफ़र इतना अच्छा लगता है कि लगता है कि बस इस सफ़र पे सफ़र करते जाएं करते जाएं करते जाएं, और ये सफ़र इतना खूबसूरत और सुहाना है, ख़त्म होने का नाम ना ले, लेकिन आखिरकार हर किसी ने एंड हो ही जाना है। और सिचुएशन है जी कुछ इस तरह की, सामने जो आपको नज़र आ रहे हैं ये प्लांट बने हुए हैं, और ये किस चीज़ के प्लांट हैं मुझे भी खबर नहीं है, ये किस चीज़ के प्लांट थे, लेकिन नज़र आ रहे थे प्लांट, और प्लांट अच्छा। और ये सिक्के हमें दे दिए थे ब्रेड के, कि आप अपने ये सिक्के देंगे तो आपको ब्रेड मिलेगी, और सिचुएशन ये है कुछ इस तरह की। और ये हलाल चीज़ें थी, और उस पर लिखा हुआ था कि ये हलाल है, और ऊपर थोड़ी सी ब्रेड वगैरह जो है वो थी उनकी, जिसमें लिखा हुआ था कि वो दूसरी हैं, समझ आए आप। और जी यूरोप वाले यही खाते हैं, ब्रेड के बीच में कास लगा लेते हैं, टमाटर लगा लेते हैं, खीरे लगा लेते हैं, सलामियाँ लगा लेते हैं, तुनाइन स्प्रेड लगा लेते हैं। और ये पास्ता हम लोगों ने लिया था हल्बर्टाइन से, कि अगर हमारे बच्चों को ना पसंद आया तो कुछ ना कुछ हो कुछ खाने के लिए उनको, और माशाल्लाह बच्चों को बहुत ही पसंद आया था। लेकिन मेरी बेटी जो है ना, वो खाने की बहुत ही चोर थी। चले खैर है, बच्चों ने खा पी लिया था, और अभी ये बहुत ही खूबसूरत मौसम है, और हम लोग पहुंचने लगे हैं जी म्यूज़ियम में। कौन सा म्यूज़ियम है, कैसा म्यूज़ियम है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन वो दिखाऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो कैसा लगा मेरा ये व्लॉग, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। देखते हैं नए आने वाले, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब आप सब वीडियो देख लेते हैं उससे पहले ही मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, और प्यारे से कमेंट्स करें जैसे आप खुद प्यारे हैं। और अभी देखिएगा कि बोर्ड कैसे जो है पार्किंग करता है, बोर्ड भी पार्किंग करता है या करती है, आपने मुझे कमेंट्स करके बताना है। तो अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा रखिएगा ख्याल, फिर मिलूंगी एक नई उमंग के साथ, सेकंड व्लॉग के साथ, ठीक है ना जी। सेकंड नंबर पार्ट आएगा, और इंतज़ार करिएगा, वो आएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट दूसरे दिन। मेरी यही कोशिश होती है कि अब डेली व्लॉगिंग किया करूँ, क्या ख्याल है आपका, आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जी अपना और अपने प्यारों का ढेर सा रखिए ख्याल, फिर मिलूंगी नई उमंग के साथ, दिखने व्लॉग के साथ, तब तक मेरा साथ निभाइएगा, मेरी तरफ से खुदा पामान, टाटा बाय।